तो गाइस ये देखो नंगा और ये ईंट भर के ले जा रहे हम गाड़ी में, कम से कम 5 किलो की होगी और आधी उधर पड़ी है। तो अब फिलहाल यही ले जाएंगे, जरूरत इतनी है, अब चलते हैं। अरे भाई वीडियो बनेगी, गाड़ी ले जा दूंगा धीरे धीरे। देखो फायदा बोलेरो का, तो टायर देखो भाई बिल्कुल दिचक गए, सस्पेंशन इसके पिछले वाले पट्टे हैं लेकिन दिचक गए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज बता देता हूँ कि भाई बिलोरो की ताकत क्या है। अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अपन क्या लेने जा रहे हैं। आ रहा हूँ मैं ना गाड़ी से नीचे उतरने, तो ठीक है। तो भाई ये देखो बिलोरो लेने का फायदा क्या क्या है अपने गांव के माहौल में। तो ये कुछ हम खोदा खादी कर रहे हैं, बजरी निकाल रहे हैं क्योंकि काम चल रहा है थोड़ा बहुत। और ये कट्टे हैं भाई, और इनको भर के लाना है गाड़ी में, इनको लेके चल रहे हैं। ये देखो फावली वगैरह परात वगैरह। अब ये बजरी लेके आएंगे हम बहुत दूर से, दिखाता हूँ मैं आपको, चलेंगे उधर क्योंकि बारिश आई है उधर, बजरी बहुत ज्यादा निकली है। अब डिग्गी में भर देंगे अपन। तो ये अपन सामान रखने के लिए देखो ये काम आती है। अभी बताता हूँ मैं क्या क्या फायदा है इसका लेने का। तो इसको हम गाड़ी नहीं समझते, पिकअप समझते हैं, जो कि मेरे पास पहले भी थी, उसमें भी मैं काफी सामान लेके जाता था। ये देखो ये बाजरे वगैरह, इनको कटवा के मैं पिकअप नहीं करता भाई, गाड़ी में रख के ले जाता तो कट्टे वगैरह। अब तो पता नहीं ये वाली आ गई है, तो ये पता नहीं क्या, थोड़े से वजन में दिचक जाएगी क्योंकि सस्पेंशन है ना इसमें, इस वजह से। तो ये देखो ये मोटर की आवाज आ रही भाई। अब चलते हैं, तो ये अपनी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और फिलहाल दिखाता हूँ मैं इसमें क्या क्या लेकर आएंगे। बजरी अब ले आएंगे और इसमें एक और चीज लेकर आएंगे, फायदा देखना गाड़ी लेने का क्या क्या हो सकता है। ये देखो कच्चा रास्ता है भाई अपना सारा। ये देखो तो ये इन चीजों में काम आती है भाई एक्सयूवी, खासकर बोलेरो गाड़ी, जिसका कुछ नहीं बिगड़ता, मेंटेनेंस खर्चा भी कम आता है। खास बात ये है इसकी, ये रोड आ गया है। अब चलते हैं, फिलहाल के लिए मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो बनानी नहीं है, इसलिए जहाँ डिस्टेंस पे जा रहे हो उस डिस्टेंस पे मिलेंगे आपको। चलो चलते हैं उधर। तो भाई जहाँ से लेने जा रहे हैं ये बजरी वगैरह, ये पहाड़ों में से पानी आया है तो वहाँ से भेली हुई है, और अपनी गाड़ी अब उधर ऊंचाई पे जाएगी, और ये गाड़ी है अपनी, तो उधर से लेने जा रहे हैं भाई। ये देखो वीडियो बना रहे अपने गाड़ी की, ये देखो भाई। तो पता नहीं इन ये कहाँ देख के आए थे, उधर से लेंगे बजरी, चलते इनके पीछे पीछे। फिलहाल ऊपर चढ़ेगी अपनी गाड़ी, देखो ऊपर तो पहाड़ों में पानी आया था ना, इस वजह से वहाँ पे ये सब चीजें भेली होती है, तो अपनी गाड़ी में रख के लाएंगे। तो ये फायदा है इस गाड़ी लेने का। तो भाई इतनी ऊंचाई पे आ गए अपनी गाड़ी को लेकर, अब ये रात और रात ये सारी बजरी डाल डोल के अपनी गाड़ी में डालेंगे। ये मंदिर है हनुमान जी का, और अपन किधर किस ऊंचाई से नीचाई से आए, देखो भाई ये देखो अपन इधर ऊपर आ गए भाई, वो रोड दिख रहा आपको, और डॉक्टर वहां से आए थे अपन, आंसू भर कर बोला। और ये देखो ये देखो बजरी भर ली है अपनी गाड़ी में, और कट्टे भर गए 3-4, और काफी वजन हो गया है भाई गाड़ी में, और ऐसे चल रही झूलती हुई, सोकर काफी दब गए हैं पिछले वाले पट्टे, जो ज्यादा ही भाई पीछे से दबी दबी चल रही गाड़ी और आगे से उठ के चल रही है। और अपन देखो इतनी ऊंचाई में भाई, मान जा इतनी ऊंचाई पे लेके आए हैं गाड़ी को, ये देखो भाई ये देख सकते हो।
तो ये है बिलोरो का फायदा, मिल गया फायदा लेने का। ये देखो भाई इतनी ऊंचाई पे लेकर आए और गाड़ी चल रही है भाई आगे से उठ के इधर इधर थोड़ी थोड़ी, अभी अपने आप ही चल रही है इधर से। ये देखो मैंने सिर्फ क्लिच दाब रखी है, अपने आप ही चल रही है। ये देखो भाई पर है गाड़ी स्टार्ट, स्टार्ट रखनी पड़ेगी भाई क्योंकि वो हो जाएगी स्टीयरिंग लॉक। ये देख सकते हो व्यू इतनी ऊंचाई पे भाई ये चीज लेने आए हैं। देखो भाई वहां से लेके आए थे, मौसम खराब होने वाला है और इधर देखो साइड में से बारिश होने वाली है और मैं दिखाता हूँ आपको हल्का सा करके छोटी देर रहना। देखो भाई पूरे टायर नीचे हो गए हैं गाड़ी के पिछले, आगे से उठ गई है और दबती हुई चल रही है एकदम ऐसे। और ये देखो सामने का व्यू और ये अपनी गाड़ी है ये देखो। तो इसका फायदा दिखाता हूँ मैं, ये देखो भाई कट्टे भरे पड़े तीन पावली पर आ सब कुछ, तो ये फायदा है भाई इसको लेने का। फोटो फाटो खींच लेते हैं इसकी थोड़ी। तो भाई ये आधी तो हमने ले आए पैदल जाके क्योंकि तो अपने पास ही मिल गई थी, बाकी अपने अंदर की देखो ये अपना रियो है दूसरा और अब इनको बाहर निकालेंगे। आज बाहर निकलो तो ये बन गई वैल्यू फॉर मनी एंड काम देने वाली गाड़ी। तो ये है भाई इसका लेने का फायदा बिलोरो का। और अभी तो रुको, अभी ये नहीं, इसमें ये नहीं आएंगे, अभी तो वो आएंगे। देखो वो जितनी भी ईंट है वो भर के लेकर आएंगे, वो इधर नहीं दूर है उसको लेकर आएंगे इसमें, फिर देखना इसका फायदा क्या क्या है। तो फिलहाल अभी इनको उतार देंगे तो फिर इनको दिखाएंगे इधर और दीपावली वगैरह पराठा वगैरह फिर खाली करेंगे, फिर इसमें लाएंगे दूसरा माल। और घाटी देखिए अपनी कितनी ऊंचाई से आए थे अपन, उधर से लेकर आए थे, वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि गाड़ी चला रहा था, इस वजह से थोड़ा हो जाता कुछ। और गाड़ी वैसे भी दब के चल रही थी और अब देखो सस्पेंशन कितने दब गए भाई, इतने लचीले हैं, है तो लचीले भाई सस्पेंशन। देखो काफ़ी नीचे हुए टायर और ये आगे से उठ गए, ये देखो उठ गई स्प्रिंग इसकी अगले टायर की और गाड़ी पीछे से पूरी दबी हुई लग रही है। देखो दिखा सकता हूँ मैं आपको, गाड़ी पूरी दब गई है पीछे से क्योंकि वजन पड़ गया है, ऐसे देख सकते हो ऐसे हो रही है नो आगे छूटी पड़ी है भाई। ये अगले टायर उठ उठ के चल रहे हैं, जैसे एक ब्रेकर आ जाता है तो इस ब्रेकर से जैसे ऊपर होती है तो अदर हो जाती है हल्की हल्की ऐसी। तो अब देखो तीन कट्टे में इसके सस्पेंशन का लुक देखो, अब देखो नीचे देखो कितनी दब रही है, देख सकते हो ये दब गई बजरी के तीन कट्टे रखे पड़े। और फिर इसके बाद गाड़ी चल रही है एकदम झूलती हुई और 15 इंची टायर डलाने के बाद तो भाई कोई इसमें नुकसान नहीं है, अगर होते थार वाले अलॉय व्हील वाले वो वाली गाड़ी तो इसमें ज़रूर अड़ते, ये फिंडर पे अड़ते और नुकसान हो जाता अपनी गाड़ी में। तो भाई कम्फर्ट कंपनी के जेन्युइन टायरों में अपग्रेड कराओगे तो 15 इंची कराओ ताकि गाड़ी में कोई नुकसान ना हो और अपने कैसा भी अपनी चीज़ों को रख सकते हैं, कैसे भी अपनी डिग्गी में कुछ भी माल भर के ला सकते हैं। तो ये है गाड़ी के लेने का फायदा, अभी दोनों आ गए, चलो इनको रिटायरिंग कट्टों को। तो और अभी तो लंबी वीडियो बन जाएगी। तो गाइस ये देखो नंगा और ये ईंट भर के ले जा रहे हैं हम गाड़ी में, कम से कम 5 किलो की होगी ये, कम से कम 1 मन कितने है मुन्ना भर, 1 मन। तो यहाँ से ईंट हमारी थी तो इधर से भर के ले जा रहे हैं और आधी उधर पड़ी है, तो अब फिलहाल यही ले जाएंगे, जरूरत इतनी है, अब चलते हैं। अरे भाई वीडियो बनाएगी गाड़ी ले जाता हूँ धीरे धीरे। देखो फायदा बिलोरो का, तो टायर देखो भाई बिल्कुल दिचक गए, सस्पेंशन इसके पिछले वाले पट्टे हैं लेकिन दिचक गए। हेलो गाइस, तो देखते हैं चढ़ान पर कैसे।
चढ़ चढ़ गई। ओ ये मैं कुएं का पांव टूट गया गाइस। और फिर इसके बाद अपनी गाड़ी धो देंगे। और देखो फायदा गाड़ी का ये है, बोलेरो का लेने का एक्चुअली भाई गांव के लिए बहुत गंद फॉर्मूली है। और है और अपने कैसे भी सामान कट्टे बोरी ईंट वगैरह बजरी बूढ़ा सब कुछ ले चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। गांव के लिए बेस्ट गाड़ी है ये, लेकिन भाई एवरेज मामले में नहीं है, लेकिन है बहुत बढ़िया। कच्चा फूटा रोड कैसा भी नहीं तो चला लो, दौड़ेगी कोई दिक्कत नहीं है। और भाई और नहीं बस आदम ये काम सारा करती है देसी गाड़ी में, इसमें जैसे मैं खर्चा ज़्यादा नहीं होगी। वीडियो कैसी लगी उनका देता हूँ फायदा तो क्या है। घाटी पे अपन गए थे उधर से बदरी लेकर आए और गाड़ी ऐसी झूलती हुई चल रही थी, अब देखो पीछे के टायर कितनी नीचे हो गए। डेढ़ सब क्यों सब क्यों हट गए, पंद्रह इंच चलाने के लिए फायदा भाई। और ओके कोई बढ़िया वाले थोड़ी थोड़ा लाइक हट जाता भाई, देखो कितना गैप थोड़ा सा गैप सारी दब गई है, धीरे उठ जाएगी। चलो भाई आज की वीडियो इतनी, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये है गाड़ी का और फायदा लेने